हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बस मैं अभी आपके सामने आने वाली हूँ, कैमरे के आगे आकर के बात करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको शुरू का इंट्रो दिखा देती हूँ। चलिए मिलती हूँ मैं आपको कैमरे के आगे आकर। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बस मैं नहा करके आई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किए हैं, बहुत दिनों से गंदे हो गए थे, ऑयली से हो गए थे। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ह्यूमिडिटी की, उसकी वजह से पसीने हो जाते हैं। और हम लोग छत पे जाते हैं वॉक के लिए तो फिर सारा पसीना हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज हेड वॉश कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाल धोने के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, तो वही है। और मैंने अभी स्किन केयर किया है, वही लॉरियल पैरिस क्रिस्टल वाला माइक्रो एसेंस लगाया है, लिपस्टिक और सिंदूर बस, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो यही है। और आज सुबह मेरा 10 बजे एक व्लॉग आ चुका होगा जो आप लोग देखेंगे। आज दिन कौन सा है, आज दिन है ट्यूसडे और डेट है 28th। तो आज आपने एक व्लॉग मेरा देख लिया है, ये व्लॉग मैं कोशिश करूँगी शाम तक मैं अपलोड कर दूँ। बस मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं आप लोग को और दे देती हूँ, व्लॉग दे देती हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था, बस रैंडम ये व्लॉग बन रहा है। तो बस आज का व्लॉग इन्जॉय करिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी चाय और ब्रेड। तो चलिए चाय, सुबह की चाय आपको दिखाती हूँ, और ब्रेड सिर्फ नॉर्मल सेकूँगी तो वो नहीं दिखाऊँगी आज ब्रेकफास्ट में, और कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। सामने ये जो आम का पेड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस आम के पेड़ में आम भी निकल आए हैं। देखिए, मैंने जूम करके आपको दिखाया है, और ये मेरी विंडो से बहुत सुंदर सा पेड़ दिखाई देता है, देखिए, और जूम करके आम तक पहुँचाती हूँ आपको, ये देखिए। और हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। आप लोग बताइए आज आप लोगों ने क्या ब्रेकफास्ट में किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं। और हाँ, आज सुबह वाले ब्लॉग में मैंने आपको बोला था मैं समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो ज़रूर मैं आपके साथ समोसे की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने कल बनाया था, बट आज सुबह वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता अगर मैं आपके ये करती तो, रेसिपी शेयर करती तो, क्योंकि मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सही से अपनी रेसिपी नहीं शेयर करती हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं डिटेल में आपको रेसिपी शेयर करूंगी। और आपने सोचा, अचानक सोच रहे होंगे कि अचानक से कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि
ये जो अभी इंडियन यूट्यूबर प्रियंका है वो बोल रही हैं, उनका आखिरी वीडियो आया है, फिर उन्होंने अपने बारे में कुछ और भी बताया, वीडियो डाला, फिर वो प्राइवेट कर दिया। तो वही मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी मैं बोलूं, और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचता है तो उनको भी मैं बोलूं कि आपको किसी की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हम सब आपके साथ हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा आपके साथ, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लाइफ ऑफ प्रीति, मतलब प्रीति जो है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो किसी एक की वजह से, जाने की वजह से, मतलब इतना कुछ जो हुआ अभी डिटेल में तो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है उनकी, फैमिली मैटर जो भी है, लेकिन जो भी है वो लोग खुद ही अपना मैटर सॉल्व कर रहे हैं। तो उनकी वजह से आप अपना चैनल बंद कर दें, बरसों की मेहनत, मतलब इंडियन यूट्यूबर प्रियंका तो 3 साल हो चुके हैं उनको चैनल पे, तो उनकी वजह से अगर वो अपना चैनल बंद करती हैं तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी, मतलब हम लोगों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं प्रियंका जी, तो प्लीज़ बिल्कुल अपना चैनल बंद मत करिएगा, वीडियोज़ डालते रहिएगा, और आजकल लेडीज़ों के लिए अगर कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए बिल्कुल करिए, पुलिस में बोलिए, और ज़रूर आपकी हेल्प होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बस इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगी और जल्दी से वापस आएंगी हम लोगों के पास फिर से। तो मैं तो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग का क्या कहना है मेरे इस बारे में, मतलब इस मैटर में कि क्या करना चाहिए, चैनल बंद कर देना चाहिए क्या। एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैंने, जब आप लोग जैसे पूछते हैं ना कि मेरी फेवरेट यूट्यूबर कौन है, मैं किससे इंस्पायर हुई, तो मैं आज आपको बता देती हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में यूट्यूब देखना मैंने शुरू किया था ना, तो मैंने इंडियन यूट्यूबर प्रियंका का ही व्लॉग देखा था। मतलब जब मैं अंधेरी में रहती थी अपने अंधेरी वाले घर पे, आज से 3 साल पहले, बिल्कुल सही बात है, 3 साल पहले, तो मैंने इंडियन यूट्यूबर प्रियंका का पहला वीडियो देखा था, जब उन्होंने बताया था अपनी मैरिज के बारे में कि वो कैसे कैसे उनकी शादी हुई, क्या हुआ, वही वीडियो मैंने उनका पहला देखा था। तो वही सब मैं देख करके इंस्पायर हुई, और फिर धीरे 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 करके मैंने भी अपना चैनल बनाया। तो अब वो अचानक से इस तरह से चली जाएंगी अगर, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रियंका जी प्लीज़ जाइएगा नहीं, वापस आइएगा ज़रूर, और थोड़ा टाइम आप ज़रूर ले सकती हैं, अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहती हैं तो ज़रूर आप टाइम लीजिए, अपना थोड़ा रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपना फैमिली टाइम दीजिए, लेकिन ज़रूर वापस आइएगा, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे, और यूट्यूब आपका हमेशा इसी तरह से वेलकम करेगा बस। और चलिए, और हाँ एक बात और, आप लोग अपने घर में सेफ है ना, क्या कर रहे हैं, सामान कैसे मैनेज करते हैं, सब्जी भाजी ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग भी ऐसा करते हैं, 4-5 दिन का सामान, मतलब जैसे सब्जियां हैं 1 हफ्ते की भर लेते हैं, दूध 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा रख लेते हैं फ्रिज व्रिज में स्टोर करके, तो इस तरह से हमारा काम भी चल रहा है। तो चलिए फिर, मैं आपको मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो आज का व्लॉग यहीं तक का था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।